हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल पे जिसका नाम है रीत ब्लॉग्स। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं हो गई हूँ रेडी। नोज पियर्सिंग नहीं करवाई है मैंने, ये टेम्परेरी है, जस्ट ऐसे ही शौक के लिए लेकर आई थी। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना ज़रूर। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं बाहर, ऐसे ही हमारा प्लान बन गया घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी, बिकॉज एक कोई खास जगह है वहाँ पर जा रहे हैं, रास्ते में बताती हूँ। आई डोंट नो वहाँ पे जाना कैसा रहेगा, जो जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं हमें अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, जो भी है इस वीडियो में सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। एंड एज़ यूजुअल मेरा ब्रदर और पापा जो है रेडी होके वो नीचे चले गए हैं, क्योंकि जब रेडी हो जाते हैं तो वो रूम में टिकते नहीं हैं, नीचे जाके अब हमारी वेट कर रहे हैं। मम्मा जो है फटाफट रेडी हो रही हैं एंड बस हम निकल रहे हैं, और मैं ऐसे नहीं जाने वाली हूँ, ऑफकोर्स रिमूव करके जाऊँगी। ये तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए वेयर किया था, तो अगर अच्छा लगा है या नहीं भी लगा तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ अब मैं आपको रास्ते में, ठीक। हाय, सत श्री अकाल, रेडी हो? हाँ जी, हाँ जी, रेडी हो जान ले? हाँ, बस रेडी हैं। किथे जा रहे हैं दसना चाहोगे या हजे नहीं? किथे जा रहे हैं या रस्ते से दसना? चलो रस्ते सरप्राइज से ही रस्ते दसांगे। चलो दसांगे रास्ते में, हो सकता है कई लोग गैस भी कर लें। मे बी चलो देखते हैं, ठीक है, रास्ते में आपसे बात करती हूँ, नीचे जाके बात करती हूँ। अज तू हसदा होया कैप्चर होया कोई, पापा गाड़ी चला रहे हैं, तो पापा हाय नहीं बोल सकते, करती करती डैडी कितने लागे जा रहे हो, मैं हजे किसी नु दसिया नहीं, मैं क्या सरप्राइज आ, देखते हैं बेटे ये किले दे अंदर जाने दा मौका मिलया जेड़ा दरवाजे है। अच्छा ठीक है ठीक है। सो जिन लोगों को किले का नहीं समझ में आया उनको मैं बता देती हूँ कि दराहे के पास हमारे यहाँ पर एक किला है, शायद वही किला है जहाँ पर रंग दे बसंती जो मूवी है ना उसकी शूटिंग हुई थी। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उस किले के, आई डोंट नो अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, बट जैसा भी होगा मैं आपको जाके दिखाती हूँ। रंग दे बसंती मूवी आप लोगों को याद हो, आमिर खान की जो मूवी थी वो शूट हुई थी वहाँ पे। तो चलो चलते हैं, अभी रास्ते में है। सो हम लोग जो हैं पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये किला है, इस किले का नाम है मुगल सराय ऑफ दुराहा। वो वाला किला नहीं है जो जहाँ पे रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी, तो ये वो किला है जहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं आपको अभी इसका फ्रंट साइड दिखाती हूँ दूसरी साइड से कैमरा ऑन करके। ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਸਰਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਕੱਢ ਲਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਸਰਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਲਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਚੋਂ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ठीक है ठीक है। लोगों को समझ ही आ गया होगा उन्होंने जो एक्सप्लेन किया, अगर आपको पंजाबी में नहीं समझ में आया है तो जो मुग़ल होते थे वो जब दिल्ली से आते थे यहाँ पर स्टे करते थे, यहाँ से जब उनको लाहौर जाना होता था फिर वहाँ से जब वापस आते थे यहाँ पर रुकते थे वो लोग, और फिर उसके बाद जो है आगे वो दिल्ली जाते थे। तो मुझे नहीं मालूम था कि सुल्तान की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है, बट अभी पता चला है तो न्यू चीज़ मालूम पड़ी है मुझे खुद को। काफ़ी बड़ा किला है, बहुत ज़्यादा बड़ा है वो।
ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪੌੜੀ ਕਾ ਉੱਪਰ ਸੇ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ऐसिया गुफामा होती थी हाँ। यहाँ से सीधा पटियाले निकल जाती थी अच्छा ध्यान से आना ध्यान से ओ नीविया नीविया जी सारे बस ध्यान रखते सी के वो देख सारा दिन अंदर से इतरो भी खा ले हां जी मोर्चा बंदी करने वास्ते आए ए तो सारा किला दिना दे पूरे बीच दे हाँ मतलब नजर रखनी होती थी ना यहाँ से पूरा एरिया दिख रहा है देखो ये मोर्चेबंदी ले यार मस्त है यार बंदा बैठा हुआ इतने निगरानी रख रहा हुआ भी कौन आया कौन यार कैथो भी देखो सारा आसपास पूरा पेंड दिख रहा है कैथो पूरा देख कैथो खड़के बहुत दूर दूर तक नजर रखी जा सकती है चलिए और आगे चलते हैं और ऊपर और ऊपर जा रहे हैं मेरी तोती भी बैंड बज गई है एक न्यू चीज का हमें भी पता चल गया कि हमारे नजदीक वाह यहाँ से तो और भी पूरा प्रॉपर दिख रहा है देखो इतना बड़ा है इतना बड़ा इधर से लेके वो दूर तक है नीचे जाके जो है ना हम ये नीचे वाले जो रूम्स हैं इनमें देखने वाले हैं क्योंकि हमें बताया है कि इनके अंदर जो है थोड़े गुफा टाइप्स ऐसे कुछ पिनी हुई हैं रूम्स जो हैं उतर जाओ मैं कैमरा बंद कुछ बहुत ही ज्यादा विंटेज और मतलब पुराना जो है ना मतलब वो करके रखा हुआ है हाँ जी और वो खुशबू भी स्मेल भी आ रही है मिट्टी की और सैलाब की जो स्मेल होती है ना बाहर निकल के इतनी धूप मतलब जैसे जिस हिसाब से ठंड लग रही है हाँ जिस हिसाब से बाहर इतनी धूप है ना अंदर बहुत ठंडक है क्योंकि बनावट इस हिसाब से हुई है ना ये जितने भी हैं हाँ सभी के सभी सेम टू सेम रूम्स हैं आप देख सकते हो कहाँ तक है टू बिग Yeah.
सो मैंने अभी आपको दिखाया, आपने देखा ही होगा कि ईंट जो है वो किस तरह से लगी हुई है राउंड 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 करके, तो कितनी मेहनत लगी होगी ना। पहले के टाइम पे चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगाते थे और बहुत बारीकी से काम होता था, जैसे आजकल के हिसाब से नहीं है, बहुत बारीकी बारीकी नाल काम होता सी ना पहला। किट भी बारीक है भी। जो बिल्डिंग बनी हुई है जिथे जिन्ना भी एरिया इन्होंने कवर किया है वो इस हिसाब ना किया, एक ता किले दे उपर निगरानी और लाइटिंग उस हिसाब ना पूरी प्रॉपर आ रही है। हाँ ये चीज़ so, अगर आप लोग जो है थोड़ा आसपास में रहते हो तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करने आ सकते हो, बिकॉज़ मैंने देखा है बहुत फैमिलीज़ जो हैं बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। कैमरे में कोई नहीं दिख रहा अभी, किधर गए सब के सब? हाँ यहाँ पर भी हैं और ऊपर भी घूम रहे हैं लोग, तो बच्चों के साथ आए हैं, फैमिलीज़ आई हैं, आप लोग आ सकते हो अगर आसपास रहते हो कहीं पर, या फिर दुराहे के पास से अगर गुजर रहे हो तो ज़रूर देख लेना एक बारी। ऐसा नहीं है कि बुरी जगह है, अच्छी है, एक बारी ज़रूर देखने वाली है और कुछ नया जानने को मिलता है, हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। तो जब भी आप आओगे अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पूछना है, जो गेट पे अंकल बैठे हैं आप उनसे जान सकते हो कि यहाँ पर क्या हिस्ट्री है, क्या क्या हुआ है, क्या चीज़ें हैं, आप उनसे जो है पूछ सकते हो। इधर जाके आई हूं हार्ड एंड सी खेलने वास्ते। कौन नहीं रहा यार अंदर? चलिए ना मुरे से कैप्चर कर लेना उधर तो जाके। नहीं इधर भी जान लेना, एक सेकंड में कुछ नहीं दिख रहा, बनाए किस हिसाब नाल होए आ, किस हिसाब से बनाए हुए हैं ये? सो जिनको देखने थे खेत ही खेत हैं, देख लो जी पंजाब के खेत ही खेत, और वो बैठे हैं मोटर के ऊपर दो अंकल धूप सेक रहे हैं जो कि हो। एक किला देखते देखते थक गए हम, बस इतनी सी एनर्जी है हमारे। एक्चुअली बात पता क्या है, हमने खाना नहीं खाया हुआ, अभी खाना खाना है कहीं पे रुक के, तो दैट इज़ वाई अभी एनर्जी थोड़ी सी सब में जो है ना लो है। खाना खाने के बाद सो नहीं सकते ना, हमें आगे भी जाना है। सो अभी जो है हम लोग यहाँ से अंदर से निकल रहे हैं, तो आपको ये जो किला है अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है यार, एनर्जी भी लगती है वीडियोस बनाने में और आप लोगों को न्यू न्यू जगह दिखाने में, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हाँ पापा एक बार इस जगह का एड्रेस दस दो। ये किला दुराहे चा, मुगल सराय दुराहे च। मुगल सराय ऑफ दुराहा इस किले का नाम है, और मतलब थोड़ा दुराहे आके कितना दुराहे तो जो अपा दिल्ली साइड तो लुधियाने वाल नू जा रहे हैं ना, दुराहे का पुल लंघ के नाल ही फिर लेफ्ट साइड रास्ता मुड़ता वा, बस वो सीधा ही आके किला। हाँ बाकी आजकल तो यार गूगल नेविगेशन भी लग जाती है, बहुत ही इजीली आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं था, मैंने भी देखा है, तो नेविगेशन से आप यहाँ पर आ सकते हो। मुगल सराय ऑफ दुराहा इस किले का जो है वो है नाम, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मेन इसलिए पसंद आया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है न्यू न्यू जगह पर जाना, न्यू न्यू जगह को एक्सप्लोर करना, सो दैट्स वाई आई रियली एंजॉयड। दुखन लग गए
मैंने भी हील पहन ली थी और मम्मा ने भी, और हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे इतना चलना पड़ेगा। चलने की दिक्कत नहीं थी, मेन दिक्कत है वो सीढ़ियाँ, इतने बड़े बड़े स्टेप हैं तो, जो कि आजकल आदत नहीं है चढ़ने की। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं देखते हैं, कुछ खाने पीने हैं थोड़ा। हाँ भूख लगी है यार, भूख लगी है। हाँ तो जहाँ भी रुक लगी है मुझको, भूख लगी है मुझको। हाँ ये कोई सॉन्ग है ना, और टिकटॉक तो नहीं बनाते हैं। हाँ सो ये जो है सबसे मुश्किल काम होता है, डिसाइड करना कि क्या खाना है। एक दूसरे को सब पूछते रहेंगे, तू बता तूने क्या खाना है, तू बता तूने क्या खाना है। सारे लगी होगी अब भूख सबको लगी है, लेकिन हम सब एक दूसरे को अभी 5 मिनट तक पूछते रहेंगे। अभी तो पापा ने भी आना है, उनको भी पूछना है। एंटर में जाके फिर दाल मखनी मंगा लेंगे। ये बात पढ़ने की ज़्यादा दाल मखनी मंगानी है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है। चलो देखते हैं हम किस फैसले पे पहुँचते हैं। जग्गी ओए ओ की डिसाइड किया फिर अम्मा क्यों और पता ही नहीं लग रहा कुछ क्योंकि और कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, तो अल्टीमेटली दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। मैं नहीं बोल रहा, बोल की बोल रहा थी। हमको सिर्फ दाल मखनी ही पसंद आती है। क्यों? बस एक ही चीज पता है कुछ भी ना बोल वैसे किदां दा खाना किदां दा लग्या तुहानू? डैडी सही है, अभी तक रोटियां नहीं आई वापस एक एक लेकर आया, खा ली फटाफट इतनी जल्दी। सब्जी हमारी ठंडी हो रही है। हाँ क्या है उन्होंने, कम से कम थे ही तो लेकर आते इतनी रोटियां इतनी रोटी तो खा लेना है। हम पंजाबी हैं, हम 10-10 कट्ठियां खाते हैं। अच्छा इसकी 10 रोटी दिखाऊंगी किसी दिन मैं आपको डैडी प्याज खा रहे हैं रोटी की जगह। सो गाइस आप देख रहे हो, सोच रहे होगे कि मैं वापस वहीं पर आ गई हूँ, वापस वहाँ नहीं आई हूँ। सो ये जो किला है ना, ये है जहाँ पर रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर आमिर खान ने शूटिंग की थी। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ आज हम लोग, बिकॉज़ आज हमने काफ़ी देख लिया। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी जो मैंने आपको किला आज दिखाया, अगर ये पसंद आया होगा देन मैं इसके अंदर भी जाके जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और आपको ये भी दिखाऊँगी। बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको पहले दिखाया है। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ आपको क्योंकि मैंने वीडियो में बोला था कि मैं वहाँ लेकर जा रही हूँ जहाँ रंग दे बसंती की शूटिंग हुई है। सो ये वो जगह थी, और जो पहले वाला दिखाया था वहाँ पे सुल्तान मूवी का एक सॉन्ग शूट हुआ था। तो बस दैट्स इट, अभी हम लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं घर पर। मम्मा उन्नी जो है बैठ गए हैं गाड़ी में, और ये भी जो है बिल्कुल ऐसे गांव में बना हुआ है। सो यहाँ पर भी सेम है, सराय ही है ये भी, जहाँ पे मुग़लों की जो फ़ौज होती थी, मुग़ल्स जो होते थे वो रुकते थे जब उनको दिल्ली से आना होता था, फिर यहाँ से वो लोग आगे लाहौर वगैरह जाते थे। तो बस दैट्स इट, अभी क्यों या तो बस जा रहे हैं हम लोग अभी घर पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रीत ब्लॉग्स, एंड मैं मिलूंगी आपको अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय बाय कर दो सारे, बाय 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 कर दो, बाय बाय बाय, ओके बाय।